सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपनी नॉर्मल सी फोटो को कुछ इस टाइप से एडिट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी अपनी नॉर्मल सी फोटो को कुछ इस टाइप से एडिट करना है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप जरूर देखते रहना। और फ्रेंड्स, चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और फ्रेंड्स, चलिए हम अपना यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सिंपली चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोटो एडिट करने के लिए पहले कुछ इस वाले बैकग्राउंड की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देन सिंपली ऐड फोटो में आ जाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अपने मॉडल की पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपनी मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ, और इसको हम फ्रेंड्स हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे कुछ इस टाइप से। देन सिंपली मैं ऐसे डन कर लूँगा फ्रेंड्स, और अगेन चलेंगे फ्रेंड्स हम ऐसे ऐड फोटो में। और फ्रेंड्स, एक और पीएनजी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये वाली है वो पीएनजी। देन फ्रेंड्स, इसको हम अपने सिर के पास कुछ इस टाइप से ऐसे लगाएंगे, और यहाँ से चलेंगे हम फ्रेंड्स इरेजर पे। देन हार्डनेस को हम पूरा कम कर देते हैं यहाँ से अराउंड 5 या 3 के आसपास, और सिंपली साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ऐसे इरेज करना शुरू कर देंगे हम कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स, सिंपली मैं ऐसे डन कर लूँगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम टूल्स पे चलेंगे, देन एडजस्ट पे जाएंगे, देन यहाँ पे ह्यू पे जाके इसकी ह्यू को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से। देन कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे कम कर देंगे, सॉरी फ्रेंड्स कॉन्ट्रास्ट को हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है, और यहाँ पे हाईलाइट्स को आपको इंक्रीज कर देना है कुछ इस टाइप से। देन शेडोज को आपको यहाँ पे कम करना है, और टेम्प को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना है। देन सिंपली यहाँ से डन कर लेना है फ्रेंड्स आपको। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ इसको, और चलते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ से ड्रॉ टूल पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आ चुका हूँ ड्रॉ टूल पे। देन सिंपली नीचे वाली लेयर पे चलेंगे, और यहाँ से हम एक कट लगा लेते हैं अपनी फोटो में छोटा सा कुछ इस टाइप से। देन थ्री डॉट्स अपनी फोटो को मैं यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और इस फोटो को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स अपने एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। देन सिंपली आपको ऐड फोटो यहाँ पे लाइट वाले टूल पे जाके इसको यहाँ पे ऑटो कर देना है फ्रेंड्स, और ऑटो करने तो आपको सिंपली इसकी ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है यहाँ पे, और सिंपली यहाँ से आ जाना है आपको यहाँ से मिक्स टूल पे, और यहाँ से रेड कलर की सेचुरेशन को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देना है, सॉरी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को यहाँ पे इंक्रीज करके ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेना है थोड़ा सा, और ग्रीन और येलो कलर की सेचुरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देना है। और फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ से आ जाना है पर्पल वाले कलर पे, देन सेचुरेशन को आपको इंक्रीज कर देना है। और फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पे आप डन कर देना है, और आना क्लैरिटी और टेक्सचर वाले टूल पे, देन टेक्सचर को आपको कम कर देना है, क्लैरिटी को इंक्रीज करना है फ्रेंड्स, डिहेज को इंक्रीज कर लेना है, और विग्रेट को सिंपली यहाँ पे कम कर देना है कुछ स्टेप से। और फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे शार्पिंग को इंक्रीज कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारी फोटो पिक्सआर्ट में कैसी थी, बिल्कुल नॉर्मल सी। और यहाँ पे देखिए, अब हमने जो रिटच करी है तो काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी फोटो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।